इस पिच पर ऋषभ पंत के जैसे बैटिंग की जरूरत थी, मैंने वही की। ये कहना है चेन्नई टेस्ट में शतक लगाने वाले रविचंद्रन अश्विन का। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन ने बैटिंग के जरिए सुर्खियां बटोरी। अश्विन ने 8वें नंबर पर उतरकर शतक लगाया। अश्विन ने इंडिया के लिए 133 गेंदों में 113 रनों की शानदार पारी खेली है। अश्विन ने रविंद्र जडेजा के साथ 7वें विकेट के लिए 199 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। इससे टीम इंडिया 6 विकेट पर 144 रन की खस्ता हालत से निकलकर 376 रनों तक पहुंच पाई। अश्विन ने टेस्ट करियर का 6ठा शतक लगाने के बाद कहा है कि ऋषभ पंत जैसी बैटिंग करने की वजह से उन्हें फायदा मिला है। जी हाँ, उनका कहना है कि इस पिच पर अगर आक्रामक अंदाज में खेला जाए तभी मदद मिलती है। अश्विन ने दूसरी बार चेन्नई के मैदान पर टेस्ट शतक लगाया है। उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया था। जियो सिनेमा से बातचीत के दौरान रवि शास्त्री ने उनसे शतक को लेकर सवाल किया तो अश्विन ने कहा, यहाँ खेलना हमेशा खास होता है। आखिरी बार जब मैंने शतक बनाया था तब आप कोच थे, उसके लिए शुक्रिया। मैं T20 टूर्नामेंट खेल कर आ रहा हूँ। मुझे हमेशा से गेंद के खिलाफ खनकते हुए शॉट खेलना पसंद है, लेकिन इस तरह की पिच पर ऋषभ जैसे बैटिंग करता है उसकी जरूरत थी। ये चेन्नई की पुराने जमाने की पिच है जिस पर उछाल भी है। जब गेंद शरीर से दूर रहती है तब आप उसे उड़ा सकते हैं। दरअसल अश्विन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। वहां पर डिंडीगुल ड्रैगन्स के कप्तान थे। इसी टीम ने इस बार खिताब भी जीता है। अश्विन ने डिंडीगुल के लिए कमाल की बैटिंग की थी। उन्होंने 10 मैचों में 36 की औसत से 252 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 350 भी लगाई और अब अश्विन टीम इंडिया के लिए चौथी बार 8वें नंबर पर आकर टेस्ट शतक लगा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज एक कदम दूर है और अभी न्यूजीलैंड के डेलियन विटोरी इस पोजीशन पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक का रिकॉर्ड रखते हैं। विटोरी ने 5 बार 8वें नंबर पर शतक लगाया है। अश्विन के अब 4 शतक इस नंबर पर हो चुके हैं। अब देखना होगा क्या इस सीरीज में रविचंद्रन अश्विन रिकॉर्ड तोड़ते हैं या फिर अगली सीरीज का वो इंतजार करते हैं।